بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. This is Poti Foundation School Bihari. How are you all? Sixth class. I hope you all will be fine. So today our science topic is chapter number 6, air. यानि के हवा. Objectives. आज के हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं. Recognize the importance of air. Identify the composition of air. Nitrogen and its uses. Oxygen and its uses. Carbon dioxide and uses. Rare gases. Water vapors. And last one is dust particles. So let's start our lecture. Air and atmosphere. Air is a mixture of gases. Air is present everywhere, even in water and soil. Air is present. Air covers the earth like a thick blanket. This blanket of air is called the atmosphere. ठीक है? हवा जो है हमारे अर्थ का काफी सारा पोर्शन कवर करती है ब्लैंकेट की सूरत में. उस ब्लैंकेट को क्या कहते हैं? एटमोस्फेयर. मेनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. Scientists have divided the atmosphere into four layers. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Science ने जो है atmosphere को चार layer में, चार तहों में तकसीम किया है. कौन कौन सी हैं? Troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Each layer of the atmosphere mixed with the layer above. Only the lowest layer of the atmosphere has enough air to support the life. Troposphere starts at 8 to 16 kilometer. ये जो troposphere का portion है, यहाँ पे सिर्फ life exist करती है. यहाँ पे जो है enough portion of air जो है मौजूद है ताकि हम जो है आसानी के साथ सांस ले सकें. और ये इसकी लंबाई कितनी है? ये 8 kilometer से 16 kilometer तक above the surface होती है. ठीक. Air is very important to us. We breathe in the air. We can't live without it. Air is needed for burning. We pump air into footballs, balloons, and tires of our vehicles. In our home, we use air pressure to draw dust into the bag of vacuum cleaner. Fish and other animals in water use the air dissolving water for respiration. Plants use air to make their food. ये थे air के uses. कंपोजिशन ऑफ एयर. अब हम देखते हैं कि हवा बनती कैसे है. ठीक है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93, ज़ीनॉन 0.0009, नियॉन 0.01, हाइड्रोजन 0.0598, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.001%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%. तो ये सारे कैसे इस परसेंटेज में जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रही हैं, इस परसेंटेज में मिक्स करके हमारे पास क्या बनाती हैं? एयर बनाती हैं, यानी कि हवा. नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड इट्स यूज ऑफ नाइट्रोजन. अब हम देखते हैं नाइट्रोजन और उसके इस्तेमाल. नाइट्रोजन इज द मेजर पार्ट ऑफ एयर. इट इज अ कलरलेस gas. It has no taste or smell. It is slightly soluble in water. Nitrogen does not burn and does not support the process of burning. ठीक है. नाइट्रोजन नेचर पार्ट पोर्शन बनाती है. कलरलेस गैस होती है इसका. ना कि जायका होता है, ना कि स्मेल होती है. बहुत कम जो है वो पानी में सोलबल हो जाती है. ये बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प नहीं करती. अब ये इसके यूजेस क्या है? नाइट्रोजन गैस इज यूज इन फूड पैकिंग, इन अ बैग ऑफ ग्रीन टैक्स का क्वेश्चन टू हेल्प प्रिवेंट देम गेटिंग ब्रोकन एंड बिकॉज ऑफ इट इंटरनल नाइट्रोजन हेल्प कैप देम फ्रेश फॉर लॉन्गर बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन. नाइट्रोजन डज नॉट बर्न. एक्सक्लूसिव ये धमाकों में इस्तेमाल होती है. फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होती है लाइक अमोनिया, यूरिया. अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन डाइज में, दवाइयों में, एक्सक्लूसिव में इस्तेमाल होती है. और एयर में जो है वो ये रिड्यूस करती है रस्टिंग ऑफ आयरन. लिक्विड नाइट्रोजन भी होती है जो कि कलरलेस होती है. ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड के लिए इस्तेमाल होती है और लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में जो है ये इस्तेमाल होती है. ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ रही है? यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं.
सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन, जो दूसरे नंबर पे 0. कितनी बनाती है, 21% बनाती है, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ये भी कलरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, सोलबल हो जाती है पानी में, बहुत एक्टिव गैस है, ये बर्निंग में हेल्प नहीं करती, लेकिन ये रस्टिंग ऑफ आयरन में जो है हेल्प करती है। यूजेज ऑफ ऑक्सीजन में देखें, ब्रीदिंग अपरेटस में इस्तेमाल होती है, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वेल्डिंग के लिए, ऑक्सीजन बार के लिए, डिजॉल्व पानी में डिजॉल्व हो जाती है, इसी वजह से जो फिशिंग में रहने वाले जानवर हैं वो आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर, सी डाइवर एंड एस्ट्रोनॉट कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर ब्रीदिंग, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं वो अपने सिलेंडर में गैस, लिक्विड गैस ऑक्सीजन की लेके जाते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ पे सांस ले सकें। वेल्डिंग में यूज होती है, कटिंग ऑफ मेटल्स में यूज होती है, रॉकेट्स यूज लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग एयर स्पेस जर्नी, रॉकेट जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं जब वो हवा में जाते हैं, ठीक है। यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंडस्ट्री टू रिमूव इम्प्योरिटीज, यूज इन मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। It is used in acetylene C2H2 for oxyacetylene welding. Equation आपको नजर आ रही है, 2C2H2 plus 5O2 give us 4C2O2 plus 2H2. ये जो equation है ये मैंने आपको सिर्फ understand करने के लिए insight की। Next है carbon dioxide. Carbon dioxide and its uses. The amount of carbon dioxide in air is less than 1%. ये 1% से भी कम है। वहाँ में इसकी तो colorless gas, it has no smell, it is lightly soluble in water, में soluble है, does not support the burning process. ठीक है, ये भी burning का process जो है वो नहीं support करती। यूज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड विद ड्रिंक, फायर एक्सटिंगुइशर, ड्राई आइस CO2। सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, सोडा वाटर की बोटल्स में भी भरी जाती है, ठीक है। जब केक को बेक किया जाता है, बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं वो बाहर खाते हैं, आसानी के साथ जमाई जा सकती है, विच इज कॉल्ड ड्राई आइस। जब ये जम जाती है तो इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस। द ड्राई आइस इज यूज टू प्रिजर्व द फूड, ड्राई आइस क्यों इस्तेमाल होती है, खानों को बचाने के लिए। उसके बाद है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, सबसे पहले नोबल गैसेस होती क्या है या रेयर गैसेस, रेयर गैसेस और नोबल गैसेस। रेयर गैसेस इंक्लूड होती कौन कौन सी है, आर्गन, नियोन, हीलियम, दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, ये अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या फिर रेयर गैसेस। दे डू नॉट कॉज बर्निंग, बर्निंग भी नहीं करती, दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट इन एयर, बहुत कम मिकदार में जो है ये हवा में शामिल होती है, ठीक है। ये रेयर गैसेस कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड ज़ीटोन, ठीक है। इसके यूजेस हैं, आर्गन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, बल्ब में इस्तेमाल होती है। नियॉन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कलर लाइट और एडवर्टाइजमेंट कलरफुल के लिए। हीलियम जो है बहुत हल्की गैस होती है, ये भी हीलियम, ये किस लिए यूज होती है, वाटर वेदर बलून को भरने के लिए इस्तेमाल होती है, कौन सी गैस, हीलियम। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, आबी बखारा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बहुत कम मिकदार होती है इनकी शामिल होती है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर, हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉजेस रेन, वाटर वेपर इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कभी जब वेदर पे डिपेंड करता है, अगर वेदर जो है वो ज़्यादा है तो वो क्या चेंज करता है, तो हैवी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रह जाता है ऊपर, और फिर वो क्या लाता है, बारिश लाता है। इसी तरह ये कंट्रोल करती है एयर को, रेट ऑफ वेपोरेशन जो प्लांट्स और उनसे होती है उनकी बखारात को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर समटाइम्स प्रोड्यूसेस स्मोक, अब जो इसके ज़र्रात होते हैं अगर हवा में शामिल है तो ये क्या बना देते हैं, स्मोक। स्मोक क्या है, स्मोक जिसे हम क्या कहते हैं, फोग भी कहते हैं, ये किसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग, स्मोक एंड फोग दोनों मिलकर, धुआं और फोग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्मोक, ठीक है। डस्ट पार्टिकल या मट्टी के जरा, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वी कैन सी डस्ट पार्टिकल इन द एयर, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर रूम ड्यूरिंग सनी डे, let the sunlight enter
इन द रूम थ्रू अ स्मॉल होल एंड सी द डस्ट पार्टिकल। आप जब सनी डे होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप क्लोज कर रहे हैं अपनी विंडो या ग्लास डोर, तो थोड़ी सी जो मिकदार है वो सूरज की रोशनी के अंदर आने दें तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे। यू कैन सी डस्ट पार्टिकल देयर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हियर इज योर असेसमेंट, ये आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। डिफाइन एटमोस्फेयर, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, राइट कंपोजिशन ऑफ एयर, राइट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट कंपोजिशन कंपैरिजन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन गैस, एंड लास्ट वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट स्मोक। सो ये आप लोग लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।